नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में कोरोना को काफी हद तक सरकार नियंत्रित करने में सफल रही है। कोरोना नियंत्रण की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना है। मध्य प्रदेश की गतिविधियों को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने संतोष जताते हुए कहा है कि अगले चरण में प्रदेश को कोरोना से पूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज विपक्ष में थे तो गरीबों के अंतिम संस्कार को लेकर खूब दावे करते थे, लेकिन सीधी जिले में एक आदिवासी परिवार की युवती की मौत होने पर परिवार को न शव वाहन मिला और न ही अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद। वहीं भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मना रही कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री अंबानी अडानी को सरकार गिराने का ठेका देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में चीन का कोई जिक्र नहीं होने पर राहुल गांधी द्वारा तंज कसने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि यूं ही दिल खोलकर आप बात करें, कभी अपनों से भी सवाल करें। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया कि यार रहजनों से भी तो अपने खूब यारी निभाई है, जाकर उनके आगे खूब झोलियां फैलाई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार 1-2 दिन बाद होगा। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के अलावा नए मंत्रियों को शामिल करने पर पैंच फंस गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कोटे से एक भी मंत्री कम करने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहू लाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग और रणवीर जाटव को भी पार्टी मंत्री बनाने का भरोसा भाजपा दे चुकी है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में डटे हुए, उन्हें और तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। भूपेंद्र सिंह और संजय पाठक को भाजपा कार्यालय बुलाने से कयासों को बल मिला है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को दोपहर बाद भोपाल आ रही हैं। वे शाम 4:30 बजे मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल की शपथ लेंगी। इससे पहले प्रभारी राज्यपाल को लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन का एक विशेष विमान भोपाल से लखनऊ भेजा जाएगा। इंदौर में सिगरेट और पान मसाले की बिक्री के दौरान 700 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी किशोर वाधवानी को 13 जुलाई तक फिर से जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।